है, तो मैं ये अच्छा स्टार्ट हो गया ना। फोर्थ है लाइव क्विज चैलेंज का, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो सिलेबस जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर है, बड़ा इजी चैप्टर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, आ गया ना? हाँ भी आ गया। ठीक है ठीक है। सो ये हमारा लाइव क्विज चैलेंज फोर है, इसका जो सिलेबस है वो लिक्विड सॉल्यूशन है, बहुत इजी सा चैप्टर है, बट इस क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर में से आते हैं, क्योंकि ये 12th क्लास के वेटेज के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दीज विल चेंज। तो आपको जैसे बताया गया है कि वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, एंड अकॉर्डिंगली कॉन्सेंट्रेशन विल ऑल्सो वेरी। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे कि फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर जो है वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा ही करेगा। मोलैलिटी, वेट फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज गिवन, 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ CCl4, फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो ये जो है आपके पास में एक्सप्रेशन होता है P₀ - PS/P₀ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी कहा था कि ये थोड़ा सा अगर हम इसको मॉडिफाइड फॉर्म में अगर लिखते हैं P₀ - PS/PS, तो फिर इसको डायरेक्टली हम N/N की टर्म्स में लिख करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूट का जो है वो मास हो जाएगा और सोल्यूट का मोलर मास हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास एंड सॉल्वेंट का मोलर मास हो जाएगा। तो हमें सोल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर हमें दे रखा है 143 - PS के लिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो इज इक्वल्स टू इसका मास दे रखा है 0.5 और CCl4 का मॉलिकुलर मास जो है गिवन है, और ये जो हमारे पास में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इसका मोलर मास 65 गिवन है। तो ये इसका मास जो है वो 100 ml दे रहे, वॉल्यूम 100 ml दे रखा है और इसकी डेंसिटी 1.58 है। तो इसका मास जो होगा 1.58 × 100 ग्राम हो गया मास, और मोलर मास इसका 154 आ रहा है। तो इसको आप पीएस के लिए सॉल्व कर सकते हो। इस एक्सप्रेशन को अगर आप यूज करेंगे तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगेगा, और अगर आप P₀ - PS/P₀ अप्रोक्सीमेटली N/N लेकर के अगर करते हैं तो थोड़ी सी इसमें एरर रहेगी, वैसे इतने जो है क्लोज नहीं है, बस मुझे ए और डी में थोड़ा सा क्लोजनेस नज़र आ रही है। तो इसलिए मैं जो है यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो आपको समझाया है उसको यूज़ करके आप करेंगे। तो ये सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आता है आपका। ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ यूरिया सोल्यूशन, तो यूरिया सोल्यूशन के अंदर एक सॉलिड सल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये सिंपल सा होता है कि जो लिक्विड सॉल्वेंट है ठीक है वो सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये ऑप्शन ए होगा। बिकॉज ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ ए सोल्यूशन ओनली सॉल्वेंट सेपरेट्स आउट नॉट सोल्यूट, ओनली सॉल्वेंट सेपरेट्स आउट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इन वाटर विल हैव द लोवेस्ट वेपर प्रेशर। तो ये जो हमारे पास में रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू काई ऑफ सोल्यूट। तो अब यहाँ पे जिसके लिए आप देखिए यहाँ पे मोलैरिटी दे रखी है, तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं कि मोलैरिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोलैलिटी, क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर सोल्यूशन होगा, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जो सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होगा वो वाटर का ही वॉल्यूम होगा, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है। तो इसलिए 1000 ml सोल्यूशन को हम अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम कंसिडर कर सकते हैं, तो इसलिए कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसलिए मोलैरिटी को अप्रोक्सीमेटली मोलैलिटी कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो m इज अप्रोक्सीमेटली m के बेसिस पे। तो इसका मतलब है कि सबका एक टाइप से मोल फ्रैक्शन तो सेम ही हो गया, तो जिसका i डिफरेंट होगा उसके अंदर रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका i बड़ा होगा उसमें ज़्यादा लोवरिंग होगा वेपर प्रेशर में, जिसका i छोटा होगा उसमें कम लोवरिंग होगा।
तो NaCl के लिए आई अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 100% डिसोसिएशन कंसिडर करना अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, सुक्रोज डिसोसिएट एसोसिएट कुछ नहीं होगा, आई का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड के लिए 3 हो जाएगा और सोडियम फॉस्फेट के लिए 3+1 4 आ जाएगा। तो जिसका आई सबसे बड़ा होगा उसमें सबसे ज्यादा लोवरिंग ऑब्जर्व होगा वेपर प्रेशर में, और जिसमें सबसे ज्यादा लोवरिंग ऑब्जर्व होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी अप्रोप्रिएट आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो ये जो सरफेस टेंशन है, ये जो विस्कोसिटी है, ये तो मेनली इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑप्टिकल रोटेशन जो है ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो हमारे पास में जो प्लेन पर लाइट हम लेते हैं उसकी वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, जो हम यहाँ पे टेम्परेचर यूज कर रहे हैं उस पर भी कई सारे फैक्टर्स है जिन पर ये डिपेंड करता है। तो बेस्ट चॉइस तो हम जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पढ़ते ही है, यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट में सेपरेट करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो ये आपको कहा गया था कि ओनली आइडियल सॉल्यूशंस कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर कंपोनेंट्स, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू प्योर कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड्स आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो यहाँ पे बेंजीन और टोलुइन सेम ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, तो ये स्ट्रक्चरली सिमिलर हो जाएंगे। वाटर इथाइल एल्कोहल, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर नाइट्रिक एसिड, ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ड्राई एयर इज पास थ्रू द सॉल्यूशंस कंटेनिंग द 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर एंड देन इट पास थ्रू प्योर वाटर, देयर इज अ डिप्रेशन इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय 2.5 ग्राम। तो ये यहाँ पे जो है हमारे पास में रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप लोग जानते हो कि जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू अगर हमारे पास में आ जाएगी तो हम मॉलिकुलर वेट वगैरह बता सकते हैं। तो ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे जो है डाइल्यूट सोल्यूशन ले सकते हैं या फिर जो हमारे पास में हमने एक्सप्रेशन मॉडिफाइड किया हुआ है वो वाला एक्सप्रेशन ले सकते हैं, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस ले सकते हैं और ये n बाय n के इक्वल आ जाएगा और इसके अंदर हमें जो है मोलिकुलर मास नजर आ जाएगा चीज के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P नॉट माइनस पी एस की वैल्यू चाहिए। तो आप लोग जानते हो कि ये जो है हमारे पास में सोल्यूशन है और ये जो है वो प्योर सॉल्वेंट है और हम यहाँ से जो है वो ड्राई एयर पास करते हैं और ये ड्राई एयर जो है यहाँ पे जो भी सब्सटेंस होगा एब्जॉर्ब करने के लिए उसके अंदर से वापस से ये ड्राई एयर बाहर आ जाएगी। तो इसके मास में कुछ लॉस होगा, इसके मास में जो भी लॉस होगा वो पी नॉट के प्रोपोर्शनल होगा, इसके मास में जो लॉस होगा वो पी नॉट माइनस पी एस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो हमें 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है एंड देन इट पास थ्रू प्योर वाटर, सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 10 ग्राम सॉल्यूट है और 90 ग्राम जो है वो वाटर है और फिर प्योर वाटर के थ्रू हमने पास कर दिया इसको। तो डिप्रेशन इन वेट ऑफ सोल्यूशन बाई 2.5 ग्राम, तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन है इसमें 2.5 ग्राम लॉस होता है मास के अंदर, ठीक है जी, और जो हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट है उसके अंदर कितना हो रहा है एंड वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बाई 0.05 ग्राम। तो ये यहाँ पे जो यहाँ पे सेकेंड केस में जो लॉस हो रहा है वो 0.05 ग्राम होता है। वैसे तो डायरेक्टली अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो ईजी रहेगा, यहाँ पे आसानी से ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें जो है ये एक्सप्रेशन रिलेट करना है कि किसके मास में जो है कितना लॉस हो रहा है। तो ये हमें जो एक्सप्रेशन हमने बनाया है P नॉट माइनस पी एस की वैल्यू तो डायरेक्टली आपको यहाँ से नजर आ जाएगी, प्योर सॉल्वेंट के मास में जो लॉस होगा तो ये 0.05 हो गया। अब आपको पी एस की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो पी एस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, टोटल लॉस इन मास देख सकते हो या पी नॉट के टर्म्स में भी आप कर सकते हो। तो पी नॉट को करने के लिए इसको और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
तो ऐड करके हम इसकी वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल लॉस इन मास जो है हमारा कितना हो जाएगा। तो वो हमारे पास में जो वैल्यू है वो इंडिकेट कर देगी पी एस जो है हमारा कितना आ जाएगा। तो पी नॉट माइनस पी एस की हेल्प से पी एस करके आप सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो क्या है। तो ये जो हमारे पास में 2.5 ग्राम का लॉस हो रहा है, तो इस 2.5 ग्राम के लॉस को अगर आप देखोगे तो ये पी एस के ही प्रपोर्शनल है। मैंने गलती से पी नॉट लिख दिया है। तो डायरेक्टली हमें जो है यहाँ से हमारा जो एक अप्रोक्सीमेटेड मेथड है उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे 10 ग्राम दे रखा है, मोलर मास इसका कुछ एम नॉट ले लेते हैं, और जो हमारे पास में सॉल्वेंट है उसका मास 90 ग्राम है, और सॉल्वेंट हमारा जो है वो वाटर है। तो 10/m × 18/90 हो गया। ये अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन के मास में जो लॉस होगा वो पी एस के प्रपोर्शनल होगा, और प्योर सॉल्वेंट के मास में जो लॉस होगा वो पी नॉट माइनस पी एस के प्रपोर्शनल होगा। तो कैलकुलेशन पर्पज के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस के अंदर, तो पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू डायरेक्टली इस लॉस के प्रपोर्शनल हो जाएगी 0.05 के, और पी एस की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली 2.5 के प्रपोर्शनल हो जाएगी। प्रपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट दोनों का सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप एम नॉट के लिए सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज लेस देन इट्स थ्योरिटिकल वैल्यू। थ्योरिटिकली जितना होता है उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कम है, और एक इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो इसका मतलब थोड़ा हल्का हो गया बेचारा। तो इसका मतलब इसमें से कुछ एटम्स आयंस की फॉर्म में सेपरेट हो गए यहाँ पे, तो इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। तो जब कोई सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट होता है तो उसका आई लेस देन 1 होता है, और वैसे भी एक इलेक्ट्रोलाइट है ये कह रहा है, तो वेंट ऑफ फैक्टर आई जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ इंटू एम, तो मोलैलिटी तो सबका सेम ही है, के एफ भी यहाँ पे सबका सेम है, तो डेल्टा टी एफ जो होगा वो आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। के सी एल के लिए आई की वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 है, और सोडियम सल्फेट के लिए आई की वैल्यू 3 है, यूरिया सोल्यूशन के लिए आई की वैल्यू 1 होगी, और ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से गिवन है, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होगा वो डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो नहीं होता। और इन एनी वे अगर आप पूरा ही इसको ब्रेक कर दोगे तो भी तुम्हारे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसका आई सबसे बड़ा होगा उसके फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा डिप्रेशन होगा, तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो है यहाँ पे डी का आ जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखेंगे तो 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस जो है हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो है यहाँ पे 0 है। तो टी एफ की वैल्यू हम बता सकते हैं किसके लिए सबसे छोटी होगी, तो ये जो है हमारे पास में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट विच हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस मच एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आपको बताया था कि जो के एफ होता है वो एक थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, और वो थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी होती है RTF² / 1000 LV। LV जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, तो यहाँ पे डिप्रेशन की बात हो रही है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसकी वैल्यू जूल के अंदर दे रखी है, तो आर की वैल्यू भी हम जूल में ही ले लेते हैं। क्वेश्चन में 8.3 कह रहा है, हमें यहाँ पे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दे रखा है, तो 16.6273 केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये इसका हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है 289.6 का स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली इसको 290 ले लो, कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और ये हमारे पास में 180.75 दे रखा है, इसको 181 ले लीजिए, और फिर इसको सॉल्व करके आप के एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर इन 1 लीटर ऑफ डाइऑक्सेन वाज फाउंड टू हैव दिस मच ऑस्मोटिक प्रेशर एट दिस टेम्परेचर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर फाइंड आउट करना हमें, तो ये जो पाई
वी इज इक्वल्स टू एन आर टी एक्सप्रेशन होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डब्ल्यू बाई एम नॉट आर टी, वेर एम नॉट इज द मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास के लिए अगर हमें सॉल्व करना है तो ये डब्ल्यू बाई वी आर टी बाई पाई हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास में 4 ग्राम है मास, तो एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो 1 लीटर है। आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.082 लीटर एटमोसफियर पर मोल केल्विन के अंदर रखनी है। टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है, और पाई की वैल्यू एटमोसफियर में गिवन है 6 × 10⁻⁴। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये जो है आपका आंसर आ जाएगा ग्राम पर मोल के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एच ए एंड डेल्टा पी टू ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एच ए टू। तो दो डिफरेंट एसिड्स दे रखे हैं, एक एच ए वन है और एक एच ए टू है। तो यहाँ पे इसके लिए जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो डेल्टा पी वन है, और यहाँ पे जो लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो डेल्टा पी टू है। तो ये जो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू आई इंटू काई ऑफ सल्यूट होता है। तो हम सब कुछ यहाँ पे कॉन्स्टेंट ही मान रहे हैं, तो जो लोवरिंग होगा वो आई के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और किसी वीक एसिड का जो आई होगा ठीक है वो 1 + α के इक्वल होता है। ये जो भी हमारे पास में एसिड है, देखते हैं ना आप ये सिंपल सा कि ये एच ए है, ये डिसोसिएट होगा तो ये एच प्लस प्लस ए माइनस प्रोड्यूस कर देगा। ये 1 है, ये 0 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका अल्फा है, अल्फा है, तो टोटल मोल्स जो आ जाएंगे 1 + α हो जाएगा। तो ये अब हमें ये कह रहा है कि डेल्टा पी वन इज ग्रेटर देन डेल्टा पी टू, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा डिप्रेशन हो, ये लोवरिंग हो रही है, तो इसका मतलब मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने का मतलब अल्फा बड़ा होगा, अल्फा बड़ा होगा मतलब स्ट्रोंगर होगा, स्ट्रोंगर होगा मतलब के बड़ा होगा, के बड़ा होगा मतलब पी के छोटा हो जाएगा। तो पी के ए लेस, पी के ए वन विल बी लेस देन पी के ए टू। क्वेश्चन नंबर 13 में FeCl3 रिएक्ट्स विद K4FeCN6 एंड एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर्ड ऑफ फेरी फेरोसाइनाइड इज ऑब्टेन। सो ये हमारे पास में फेरी क्लोराइड का सॉल्यूशन है और ये K4FeCN6 का सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। दी सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एज शोन एंड ऑस्मोसिस अकर्स व्हेन। ब्लू कलर कहाँ ऑब्टेंड होगा, तो ये आपको बताया था कि ऐसे केसेस में ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा अगर फेरिक आयन फेरोसाइनाइड आयन के कांटेक्ट में अगर आता है। तो ये जो फेरिक आयन है वो FeCN6 के कांटेक्ट में अगर आता है तो ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये इधर का फेरिक इधर नहीं जाएगा और इधर का फेरोसाइनाइड इधर नहीं आएगा, तो इसका मतलब कभी भी ब्लू कलर अपियर नहीं होगा, सिर्फ वाटर का मूवमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर 1 मोल बेंजीन एंड 2 मोल टोलुइन विल हैव टोटल वेपर प्रेशर। तो ये यहाँ पे हमारे पास में टोटल वेपर प्रेशर जो होता है, हमारे पास में टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट ऑफ टोलुइन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन। तो बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 42 है mm, और 1 मोल है इसका, टोटल मोल्स 3 हो जाएंगे, तो ये 14 × 1/3 हो गया, और यहाँ पे ये 36 है, इसके मोल्स जो है वो 2/3 हो जाएंगे। तो अब आप ये चेक कर सकते हो कि किसका क्या होगा, तो ये तो हमारे पास में 14 आ जाएगा और ये जो है 24 के करीब हो जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये 38 mm ऑफ एच जी हमारे पास में वेपर प्रेशर आ रहा है, एस्ट्रिक साइन है, तो मोर देन वन ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे, तो ए तो करेक्ट है ही है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ बेंजीन अबव लिक्विड मिक्सचर इज, तो अब यहाँ पे पी एम वाई ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी काई ऑफ बी। इस रिलेशन से हम वाई ऑफ बी फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज पी नॉट बी काई ऑफ बी अपॉन पी एम। तो पी नॉट बी इंटू काई ऑफ बी जो है ये तो 14 था, और पी एम जो है वो हमारे पास में 38 है, तो ये 7/19 आ जाएगा बिल्कुल परफेक्टली। बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, बी अगर करेक्ट है तो सी तो करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ बेंजीन अबव लिक्विड मिक्सचर की बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर ऑफ टोलुइन। तो ये अब आप निकाल सकते हो कि वाई ऑफ टी जो होगा वो 1 - 7/19 हो जाएगा, तो ये 1 - 7/19, 8/19 तो नहीं होगा।
Now, among 0.1 molar solution of urea, sodium phosphate, and aluminium, the vapor pressure and freezing point are the lowest for urea solution. नहीं, ठीक है, lowest vapor pressure उसका होगा जिसमें सबसे ज्यादा solute के particles होंगे. Greater are the number of solute particle, greater will be the lowering in vapor pressure. क्योंकि lowering in vapor pressure जो है वो mole fraction of solute के proportional है. तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है. यूरिया का जो आई है वो वन है. यहाँ पे इन सबके आई को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूरिया का आई वन हो जाएगा, सोडियम फॉस्फेट का आई फोर हो जाएगा, और एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए जो आई है वो फाइव हो जाएगा. तो ये वन करेक्ट नहीं हो सकता है. वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर दी हाइएस्ट फॉर यूरिया सोल्यूशन. वेपर प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर दी हाइएस्ट फॉर यूरिया सोल्यूशन. यूरिया सोल्यूशन में सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसमें सबसे कम लोअरिंग होगा वेपर प्रेशर में. वाटर का वेपर प्रेशर जितना भी होता है उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें देखना है. तो यहाँ पे यूरिया के सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन सबसे कम है, तो इसलिए सबसे कम लोअरिंग होगा. तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो सिंपल सा रिलेशन होता है वो हो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इन टू मोल फ्रैक्शन. तो ये 0.1 ही होगा मोल फ्रैक्शन यूरिया का. तो बताया था ना मोलैरिटी को मोलैरिटी के इक्वल एज्यूम कर लेना है और सॉल्व कर लेना है. तो यहाँ से पी एस की वैल्यू के लिए हमें सॉल्व करना है. तो ये अल्टीमेटली आई पे ही डिपेंड करेगा. तो यूरिया का आई सबसे कम है, तो इसलिए इसमें सबसे कम जो है वो लोअरिंग होगा वेपर प्रेशर में, और सबसे कम डिप्रेशन होगा. तो बी हमारा करेक्ट हो गया. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द हाइएस्ट फॉर. तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी बी विच इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी. तो के बी और मोलैलिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, तो जिसका आई सबसे बड़ा होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन सबसे ज्यादा होगा. तो एल्यूमिनियम सल्फेट का आई सबसे बड़ा है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द हाइएस्ट फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर इज द हाइएस्ट फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट. ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो पाई इज इक्वल टू आई इन टू सी आर टी. तो सी सबका सेम हो जाएगा, आर सबके लिए सेम है, टी सबके लिए सेम है, तो जिसका आई बड़ा होगा उसका पाई भी सबसे बड़ा होगा. तो एल्यूमिनियम सल्फेट का आई बड़ा है, तो इसलिए इसका पाई भी सबसे बड़ा होगा. तो ये ऐसे इस टाइप से जो है हमारा ये लिक्विड सॉल्यूशन पर बेस्ड जो क्विज है वो कंप्लीट हो गया. तो ऐसे आप और क्विजेस के लिए जो है प्रिपेयर करते रहिए. थैंक यू.